जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, तो आप लोग गैस कर सकते हो डेकैथलॉन का बॉक्स है, इसमें क्या हो सकता है। आप लोगों को तो पता है कि डेकैथलॉन ये कुछ भी प्रोवाइड कराता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसमें भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है कुछ, जो कि वो है स्कैट। तो हम लोगों ने इससे अब अप लेवल का जो स्कैट था, कोई बेसिक लेवल का, उसको मंगवा के प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब प्रो लेवल का यूज़ करने वाला है एम एफ 500, क्योंकि बाकी तो आप लोग को पता होगा क्योंकि अभी फेमस है एम एफ 500। तो स्टार्ट करें, अनबॉक्स करें। देखिए इनको तो आप लोग जान रहे होंगे, स्केट बॉय को। हाय गाइस, देखो पहले कई तरह का वीडियो डाल चुका है, प्रैक्टिस लगभग हो गया है, अब एक बैलेंस में बना सकता है, तो आगे प्रैक्टिस के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए मंगाया गया इसको बॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट, तो अनबॉक्स हम नहीं बल्कि स्केट बॉय करने वाले हैं। इतना सुंदर, देखिए आप लोगों के सामने MF 500 स्केट हो चुका है अनबॉक्स, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो दो है, और एक है इसके अंदर। ओह माय गॉड, बिग साइज, ये मीडियम साइज। तो बॉक्स को पहले नीचे इसको निकालो, बॉक्स को नीचे, इसके साथ दो ब्रेक ब्रेक भी आया है, और ये मेरे लिए इसको रखते हैं ऊपर, जो कि और बॉक्स में कुछ नहीं है। ये रहा इसका स्मॉल साइज का, और ये इसका ब्रेक, इसमें कुछ यूजर मैनुअल यूजर दिया गया है, कुछ टूल्स दिया गया है जो कि इसमें अटैच है। ये ब्रेक है, और इसमें कुछ मैनुअल बुक दिया है, इसमें दर्शाया गया है कि यूज कैसे करना है। इसमें नीचे कुछ चाइनीज लिखा हुआ और चित्र से समझ सकते हैं अलग अलग। और ये ब्रेक, ये इसमें टाइट करने के क्लैंप, क्लैंप जो कि कोई नॉट वगैरह ढील हो जाए तो उसको कसने में मदद करते हैं, दिया गया है जो कि एक से टाइट ना हो तो दोनों तरफ से टाइट कर सके अगर स्लिप कर रहा हो तो। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसका फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका बिल्ड क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें हार्ड बॉडी लगा हुआ है जो कि बहुत टाइट है और बहुत मजबूत है। बिल्ड क्वालिटी बोला जाए तो खतरनाक है इसका प्रो लेवल से। और व्हील्स का बात करें तो इसमें 80 mm का व्हील्स है, जो कि पहले बता चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है शॉक्स एब्जॉर्बर, जो कि अगर कहीं पर जंप हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब करता है, जो कि ज़्यादा झटका ना लगे बॉडी पर। तो आपको हम फोकस करके दिखाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शॉक एब्जॉर्बर, और इसमें भी मेंशन किया हुआ है 80 mm का, जो कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। और ये जो साइड में लगा हुआ है ये स्क्रेच का, जो कि गिरने के बाद इसमें कोई स्क्रेच ना है, ये इसको एब्जॉर्ब कर ले। इसके अंदर डाला हुआ है इंसोल, इसको कहा जाता है, जो कि ये रिमूव हो जाता है आराम से, आप पहन के बाद में भी पैर डाल सकते हैं, इसके अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको हम निकाल के दिखाते हैं अभी। थोड़ा टाइट है क्योंकि अभी यूज नहीं किया गया है। देखिए ये इंसोल, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी का बात करें कितना मजबूत है, सूखे जैसा लग रहा है हर तरफ से। और इसका अंदर का पार्ट का बात करें तो जो इसके बाहर लिखा हुआ है सू एब्जर्वर, ये इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक टाइप से है। देखिए हर तरह से मस्त है। और हम लोगों ने एक नहीं बल्कि दो दो साइज का परचेज किया है, दोनों का साइज अलग अलग है, एक है 45 का और दूसरा साइज है 41। और आगे आपको अभी हम लाइव चल के ही दिखाएंगे इसमें, क्योंकि आपके सामने स्केटर बॉय आएगा, चल के दिखाएंगे।
इसमें।